हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में बायो के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें कि जो तीसरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं मानव जनन, आज लेसन 4 है जिसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता इसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो पहले हम लोग अनुवांशिकता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि अनुवांशिकता क्या है। तो अनुवांशिकता को समझने के लिए हम ये जाने कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए कि जो किस तरह से क्या पढ़ना आवश्यक है। इस पर एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्हें हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वह यहाँ देखिए, या जो सन 1822 में सन से में उनका जन्म हुआ 22 जुलाई को, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यह ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, ब्रून शहर के। इन्होंने एक मटर का पौधा लिया और उस पर कम से कम 7 से 8 साल तक, चूँकि ये पादरी थे, गिरजाघर में रहते थे, वहीं पर इन्होंने लगभग 7 से 8 साल तक प्रयोग किया मटर के पौधों में। इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया? क्योंकि मटर का पौधा जो कि एक साल में 2 बार उसकी क्रॉपिंग की जा सकती है, मतलब उसके फल देखे जा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मटर को चुना। उसके लिए इन्होंने देखा कि जो मटर का पौधा है वह दूसरी पीढ़ी में क्या अपने परिवर्तन करता। तो पहले उन्होंने जो अनुवांशिकता के बारे में बताया तो कहा कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, तथा इसके अध्ययन को जो है उसे उस विज्ञान को ही अनुवांशिकता कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस आधार पर मटर को उन्होंने चुना पौधे को। तो इन्होंने 3 नियम निकाले, उस आधार पर देखा अपने कि क्या क्या नियम है। तो पहला नाम उन्होंने दिया कि प्रभाविता का नियम। इसको आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो प्रभाविता के नियम में उन्होंने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसमें उन्होंने मटर के 2 तरह के पौधे लिए, एक ऐसा पुष्प जिसका पुष्प लाल था, एक ऐसा पौधा लिया जिसका पुष्प सफ़ेद था। उन दोनों के बीच पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कराया, तो देखा क्या कि पहली पीढ़ी में जो देखिए यहाँ ये गुणसूत्र हैं, इनके गुणसूत्र में थोड़ा परिवर्तन देख रहे हैं कि ये कैपिटल आर छोटा आर है, तो इनके परिवर्तन है, मतलब यह प्रभावी है, मतलब इसमें सभी जो पौधे थे वह लाल हुए, सफ़ेद चिप गए, मतलब इसके अंतर्गत लाल रंग सफ़ेद पर प्रभावी हुआ। इसीलिए और इसका अनुपात देखिए एक संबंध एक, यानी एक यहाँ एक यहाँ, एक संबंध एक या 50:50 का अनुपात प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी में। इस प्रकार उन्होंने इसको देखते हुए उन्होंने प्रभाविता का नियम को बताया। फिर दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि एक गुण संकरण का नियम, इसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं युवकों की शुद्धता का नियम। इसमें इन्होंने देखा कि जो फिर वही कार्य किया इन्होंने कि मटर के जो पौधे लिए जिसका एक लाल था एक सफ़ेद था, पहली पीढ़ी में यहाँ उन्होंने देखा कि सभी कैसे हुए संकरित लाल, मतलब फिर लाल हुए और सफ़ेद छिप गया। लेकिन इसी को उन्होंने पुनः बीज को लिया दूसरी पीढ़ी में, तो संकरित लाल वाले बीज को लिया तो इन्होंने देखा कि यहाँ से देखें तो यहाँ पर सफ़ेद रंग के पौधे निकल जाते थे, एक यहाँ शुद्ध लाल हुआ, एक यहाँ शुद्ध सफ़ेद हुआ, और 2 जो है संकरित लाल हुए, मतलब यहाँ पर वो छिपे हुए थे। देखिए छोटा कैपिटल आर है, तो गुणसूत्र बता रहे हैं। तो यहाँ गुणसूत्र के कारण यहाँ पर देखें जो अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1, या इसे कहते हैं 3:1, या 3 लाल हुए 1, 2, 3 ये लाल हुए 3:1, या इसे कहते हैं 75:25। तो ये दूसरे नियम में इन्होंने दिया। तीसरे नियम में देखिए, तीसरे नियम में इन्होंने कहा कि इसे कहते हैं थर्ड लॉ, जो जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या द्वि गुण संकरण का नियम, या स्वतंत्र अभिहोन का नियम। इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा कि इन्होंने दो, इसको हम दो गुण क्यों कहते हैं, कि इसमें 2 गुण जाए, इसके अंदर 1 गुण थे, इसमें 1 गुण 2 गुण हैं। तो जैसे इन्होंने मटर के जो पौधे को लिया वह एक गोल था और उसका रंग पीला था, दूसरा एक हरा था जो झुर्रीदार था। 2 तरह के बीज वाले मटर के पौधे लिए और इनको उन्होंने पॉलिनेशन की क्रिया कराई, तो पहली पीढ़ी में यहाँ पर सभी पौधे संकरित पीला, मतलब हरा झुर्रीदार छिप गया। और इसको फोन पीढ़ी में देखा, फिर यहाँ देखा इन्होंने दूसरी पीढ़ी में कि ये जब चेकरबोर्ड, जो पुनेट ने चेकरबोर्ड दिया, यहाँ पर भी दिया यहाँ पर भी दिया, तो पुनेट के द्वारा देखा गया कि यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए 9:3:3:1 जो
जो 16 पौधे पास प्राप्त हुए वह इस तरह क्रम में थे, जिनका यहाँ पर 9 संबंधित, 3 संबंधित, 3 संबंधित, जिसमें 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार और 1 जो है झुर्रीदार हरा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मेंडल ने अनुवांशिकता के आधार पर जो 3 नियम दिए और उस जो कि जिसके आधार पर हम मटर में देखे कि ये गुणसूत्र जो हैं उनके द्वारा जो लक्षण हैं वो छिपते नहीं हैं, किसी न किसी पीढ़ी में जरूर आ जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने तीनों नियमों को दिया। अनुवांशिकता में ही जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मेंडल्स के द्वारा मटर पर प्रयोग, जिसमें इन्होंने जो नियम दिए थे 3, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, 1 गुण संकरण नियम, 2 गुण संकरण नियम, तो इस तरह से उन्होंने तीनों नियमों को दिया था, जिसमें उन्होंने देखा था गुणसूत्र अपने लक्षणों को किसी न किसी पीढ़ी में निरूपित करते हैं। तो जैसे अनुवांशिकता को हमने बताया था भी कि अनुवांशिक लक्षणों या अनुवांशिक विशेषक भी लक्षण कह सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुँच करके उन्हें निरूपित करते हैं, ऐसी ही क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं या जेनेटिक्स इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो देखें कि कुछ ऐसे पौधे थे जो कि उनके नियम को नहीं माने, जिसे हम कहते हैं विचलन का नियम। जैसे यहाँ देखें 1903 में कार्ल कोरेंस ने गुलाबास या बांस के पौधे में देखा कि उन्होंने देखा दो तरह के लिए कि सफ़ेद और ये लाल पुष्प है, ये सफ़ेद पुष्प है। तो पहली पीढ़ी में देखा सभी पौधे कैसे हुए गुलाबी प्राप्त हुए और F1 पीढ़ी में, फिर यहाँ देखा इन्होंने संकरण कराया तो देखा क्या कि इनके अंतर्गत एक लाल, एक सफ़ेद और एक गुलाबी, मतलब सफ़ेद यहाँ निरूपित हो गया। तो कहने का अर्थ है कि यह जो है प्रभाविता के नियम को निरूपित नहीं करता, जिसे हम इनके विचलन का नियम कहते हैं। फिर यहाँ देखें तो इस तरह से इन्होंने देखा, लेकिन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिंग निर्धारण कि जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो पौधों को हमने देखा मनुष्य में कैसे लिंग निर्धारण होता है, तो गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं। तो मनुष्य के गुणसूत्र में जैसे गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें नर के अंतर्गत जो होते हैं 22 x यानी 44 44 और उसके बाद 46, ऐसे मादा में भी होते हैं 46 जो कि 22 x ये गुणसूत्र हैं, मेल में XY और फीमेल में XX। अब इनका हम देखें या मैन है वुमेन है, इनके गुणसूत्र हैं या, और इनमें हम देखें क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में देखेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि 51 संबंधी एक कान पर प्राप्त होता है, यानी XX और XX फीमेल है, XY यह मेल है, यानी 50 संबंधी 50 कान पर प्राप्त होता है, जो कि XX मतलब फीमेल, XY मीन्स मेल, इस प्रकार यह लिंग निर्धारण करते हैं। लेकिन अब देखें कि कुछ ऐसे गुणसूत्र हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज करते हैं, तो एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स जैसे दो तरह के हैं, यूप्लाइडी एनुप्लाइडी। यूप्लाइडी में देखते हैं गुणसूत्र देखिए 2N है, तो कभी कभी ऐसा होता है ओवा एक होती है, स्पर्म 2 हो जाते हैं तो 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, मतलब एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, इसे कहते हैं यूप्लाइडी। एनुप्लाइडी मीन्स कि इनमें देखिए यह दो तरह के हो जाते हैं, एक क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम एक टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनोफिल्टर्स में 2N+1 47 हो जाते हैं गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, या 2N+45 हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र जो है अधिक हो जाते हैं, जैसे 2 की जगह 4 हो गए, 6 हो गए, या यहाँ पर इनकी संख्या XY गए 2 हो गई, मतलब एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। यानी इसमें जो है हमने उन्हें देखा कि यह अब और देखेंगे गुणसूत्रों में कि यहाँ एक है ट्विन्स या यमज, तो यमज 3 तरह के हैं, पहला भातृयमज। भातृयमज देखेंगे जैसे स्पर्म है ओवा है जायगोट बनते हैं, तो यहाँ पर देखें ये अलग नहीं हो पाते, तो चाहे 2 लड़की होंगे या 2 लड़के होंगे। फिर यहाँ देखें कि ऐसे इसी में देखें जैसे 2 अंग बटे तो 2 या 2 लड़के होंगे या 2 लड़की होंगे। फिर यहाँ देखें दूसरे में समयमज, मतलब यहाँ पर स्पर्म है ओवा है जायगोट बनते हैं, फिर ये अलग नहीं हो पाते, अलग ये 2 से 4 हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की या एक लड़का एक लड़की, इस तरह से हो जाते हैं। फिर देखें सैमीमज तीसरा है, जिसमें कि ये स्पर्म में ओवा है जायगोट बन जाते हैं, ये क्या होते हैं ये अलग नहीं हो पाते, जब देखते हैं हम लोग कि 2 सिर है एक पेट है या 2 हाथ जुड़े हुए हैं, तो गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते, इसे हम ट्विन्स खाते हैं। इस तरह से हम लोग गुणसूत्रों में एबनॉर्मलिटीज देखते हैं, और जिसके आधार पर हम देख रहे हैं कि यह ज़्यादा भी एबनॉर्मलिटीज पाई जा रही है। और यहाँ एक देखेंगे फिर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे बड़ांधता है, हीमोफीलिया है, एनीमिया है। तो बड़ांधता क्या है कि बड़ांधता में कि हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है,
जिससे कि जो रेटिना है, संघ कोशिकाएँ हैं नहीं ग्रो कर पाती हैं, जिससे कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे हीमोफीलिया है, इसमें क्या है हीम कम हो जाते हैं। फिर ये एनीमिया है, इसमें क्या है स्पाइनली जो कोशिकाएँ हैं प्लेटलेट्स में कम हो जाती हैं, जिससे यह हमें अपने कटने पर गिरने लगता है और वह क्लाट नहीं करता है, तो एनीमिया। इस प्रकार से हम अनुवांशिकता में हम लोगों ने अध्ययन किया, और अगले चैप्टर में हम लोग जो है स्वास्थ्य और मानव का स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।